पुत्री की धर्मपत्नी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भाई साहब। मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है जी भाई साहब। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी हैं, परिवार में किस तरीके का माहौल है, क्या? नहीं, परिवार में तो भाई साहब पहले भी ठीक था, आपको पता है, एमएलए रहे, मंत्री रहे, एमपी रहे, फिर पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, अब सीएम बन गए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पूरे हरियाणा वासियों को देती हूँ। अभी लोकसभा के चुनाव है और जैसे शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने एक टारगेट रखा था कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम जीत के नरेंद्र भाई मोदी जी को झोली में डालेंगे। उस तरीके से आपको पता ही है, आज पूरा का पूरा, मैं तो कहूँ भारत आज भगवा कलर के अंदर आया हुआ है, आज भगवाधारी बने हुए हैं सभी। जैसे रामलला के मंदिर का शिलान्यास हुआ और आपको पता ही है सारे 10 की 10 सीटें यहाँ से जीत के नरेंद्र भाई मोदी जी को उनकी झोली में डालेंगे। तीसरी बार फिर देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी मोदी जी बने। जय श्री राम के नारे लग रहे थे जी भाई साहब, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में। हम तो जब भाषण की शुरुआत करें तभी भारत माता की जय और जय श्री राम के तो नारे स्वाभाविक था। घर पर सूचना मिल गई थी पहले कि हाँ मुख्यमंत्री वो बनने वाले हैं, कब जानकारी नहीं, मिली? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जब टीवी पे नाम आया तभी हमें पता चला कि सीएम के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे, मुख्यमंत्री के धर्मपत्नी है जिन्होंने कहा कि अब 10 सीटें लोकसभा की नरेंद्र मोदी की हम झोली में डालेंगे, जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरे तरीके से निभाया जाएगा। कैमरामैन हरजिंदर के साथ नवीन सेठी, पंजाब केसरी।